निगम के अंतर्गत कई वार्डों में जल जमाव से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। जल जमाव समस्या को लेकर जप्पा के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोशित देखे गए और आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के मुख्य गेट के पास नगर आयुक्त का पुतला दहन करने के उपरांत जल जमाव के समाधान करने की मांग की। नगर आयुक्त का जन अधिकार पार्टी के द्वारा लगातार इनको सूचना दिया गया है कि वार्ड नंबर 15 में आज 150 घर 4 महीनों से पानी में हिलकर आ रहा है। आने जाने में इतनी बड़ी समस्या है, दवा के लिए इलाज के लिए कमर भर पानी है 150 घरों में। बाकी आज तक नगर निगम इस पर सुचारू रूप से कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार पानी निकालने के नाम पर लाखों रुपये डीजल में इन्होंने घपला किया, ये जांच करने की चीज़ है। रोड बना नहीं, बिल सारा लोग निकाल लिया, ये स्थिति है नगर आयुक्त की। लगातार आरा में आप देख सकते हैं कि लगातार पूरा शहर कचरा में तब्दील है। टैक्स जो डबल भरपाई हो गया सरकार के द्वारा, लगातार टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है और नगर निगम नरक निगम में तब्दील हो गया है। तो हम जानना चाहते हैं पूरे ये शहर की स्थिति, आप कहीं भी बाईपास में चले जाइए, आरा बक्सर रोड हो, आरा पटना रोड हो, आरा सलेमपुर रोड हो, आरा जीरो माइल रोड, देखिए कहीं भी शहर के किनारे आपको कचरा बहुत सारे ढेर अंबार लगा होगा, रोड पर लगा हुआ है, चलने फिरने में दिक्कत है, आए दिन एक्सीडेंट लगातार हो रहा है। ये किसकी जिम्मेवारी है? छोटी छोटी इतनी लोग बड़ा बड़ा गलती लोग